का शिकार बना दिए गए हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं। कारोबार की तरफ तुम्हारी निगाह की जा रही है, बिजनेस बंद करने की साजिश तुम्हारी की जा रही है, जिम्मेदारी तुम्हारी छीनने की फिक्र में है, जमीन तुम्हारी लूटने के चक्कर में है, दुकान तुम्हारी तुमसे छीनने वाली है, लेकिन उसके बावजूद तुम सोचते नहीं, तुम पलट कर नहीं आ रहे हो। आखिरकार मामला क्या है? ये तमाम तर परेशानियां हमारे ऊपर क्यों आ रही है? हम किस परेशानी में क्यों घिरे हुए हैं? हालांकि हम मुसलमान हैं, रब का कलाम हमारी कामयाबी की गवाही दे रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तहिनू वला तहजनू वअंतुम अलऊना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न कर, परेशान ना हो, गम न कर, तू ही कामयाब है, इसलिए कि तू ईमान वाला है, तू मोमिन है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कद अफलह अल मोमिनून, ईमान वाला कामयाब है, मोमिन कामयाब है। अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है जो नमाजों में खशियत इलाही के साथ अपनी आंखों को नम करके रहता है। इतना करने के बावजूद हम परेशान क्यों हैं? जमाने ने हमें अपने जुल्म का टारगेट क्यों बनाया है? हर जगह हमारे ही ऊपर निशाना तजी क्यों की जा रही है? तंकीदी जुमले हमारे खिलाफ क्यों किए जा रहे हैं? हमें लोग बुरा भला क्यों कह रहे हैं? ए मौला, तू ना तेरा तो इरशाद है, कुल इल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, तू बिल मुल्क मन तशा व तंजुल मुल्क मिन मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मौला तेरा ही तो इरशाद है, ए महबूब फरमा दो, तमाम मुल्कों का मालिक, तमाम जमीन का बादशाह परवरदिगार आलम है, जिसको चाहे वो मालिक बना दे, जिससे चाहे वो ले ले। इज्जत और जिल्लत का मालिक तू है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे रुसवा कर दे। बियदिकल खैर, तमाम भलाइयां तेरे दस्ते कुदरत में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही पावर वाला है, तू ही ताकतवर है, तू ही कुव्वत वाला है, तू ही लफ्ज़े कुन कहकर फया कुन कह दे तो जमीन वजूद में आ जाए, आसमान पैदा हो जाए, तारों की अंजुमन सज जाए, चांद चकमगाने लगे, सूरज किरने बखेरने लगे, फरिश्तों की पैदाइश हो जाए, जन्नत दोजख बन जाए, तमाम तर चीजें वजूद में आ जाए। मौला तेरा ये पावर है, इसके बावजूद तेरे मानने वाले मुश्किल में क्यों हैं? तो अल्लाह जवाब देगा, तुम परेशान क्यों हो? लोगों की तंकीद का निशाना तुम क्यों बन रहे हो? तुम सताए क्यों जा रहे हो? कारोबार क्यों ठप हो रहे हैं? जमीन क्यों छिन रही है? इख्तदार क्यों ले लिए गए? इज्जतें क्यों दागदार हो गई? जानना चाहते हो तो पढ़ो कुरान, जवाब मिलेगा। जब कुरान पढ़ा, अल्लाह फरमाता है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ए लोगो, तुम्हारी तरह मुसीबतें नहीं आती, अगर तुम अपने हाथों से जो करते हो वैसे ही तुम काटते हो। वयाफुन कसीर, अल्लाह फरमाता है, अक्सर खताएं तो मैं माफ कर देता हूँ, अगर हर जुर्म पर दुनिया में सजा देने पर आ जाऊं तो एक सांस भी सही तरीके से नहीं। तो कीजिए, मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कलाम बोल रहा है, ये रब की किताब बोल रही है। अब जरा फैसला कीजिए, आप दूसरे को क्यों कहते हो? मोदी ने क्या कर दिया, उसको गालियां क्यों देते हो? योगी क्या कर रहा है, उसको क्यों देख रहे हो? तुमने कभी अपने आप को देखा कि तुम क्या कर रहे हो? साफ कौम मुस्लिम पर मोदी जी ने अत्याचार किया, पहले अपने गिरेवान में झांक के दे, तूने अपने भाई के ऊपर कितना जुल्म किया है, पहले अपने गिरेवान में झांक के दे, तूने अपनी माँ के साथ क्या किया है, पहले अपने आप को दे, तूने अपने बाप के साथ क्या किया है, पहले अपने आप को दे, तूने अपनी बहन के साथ क्या किया है, पहले अपने आप को दे, तूने पड़ोसी के साथ क्या किया है, पहले अपने आप को दे, तूने कौम मुस्लिम के साथ क्या किया है? अपना कुर्सी बचाने के लिए कौम के अंदर पार्टियां खड़ी कर दी, अपनी प्रधानी बचाने के लिए लोगों से वोट लेने के लिए लड़वा दिया, ला ला। किसी
किसी को अंसारी के नाम पर, किसी को पठान के नाम पर, किसी को मंसूरी के नाम पर, किसी को कुरैशी के नाम पर, किसी को सलमानी के नाम पर, किसी को अल्लाह अल्लाह कुरैशी के नाम पर, किसी को जो है सलमानी के नाम पर, किसी को भिस्ती के नाम पर, किसी को किसी बिरादरी के नाम पर। तुमने कौम मुस्लिम एक ही छत में थे, जिसके ताल्लुक से किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और यहाँ ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, जब तक ये इत्तेहाद कायम था, जब तक मुत्तहिद थे, एक प्लेटफार्म पर थे, जब तक के कौम मुस्लिम की अंदर ये बिरादरी बादी ना आई थी, कोई ये ना समझता था कि हम कौन सी बिरादरी से हैं, हर एक की जबान पे था कि हम बिरादरी वाले नहीं, हम मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के आशिक हैं, नबी के वफादार हैं। जब तक बिरादरी की बीमारी इस कौम मुस्लिम में नहीं थी, बल्कि मुसलमान का इश्क था कि कहीं का रहने वाला हो, किसी भी जमीन का हो, मेरा भाई है उस पर सुन होगा तो मैं तड़पूंगा, उसके पैर में कांटा छुपेगा, दर्द मेरे अंदर होगा, ये एहसास कौम मुस्लिम के अंदर उठा था। तो कभी कादसिया की मैदान में रुस्तम जैसे पहलवान को ये कौम मुस्लिम धूल चकाती नजर आ रही थी, कभी मैदान इंतकामिया इंतकिया में ये कौम मुस्लिम 15,000 लश्कर की शक्ल में हर कुल जैसे बादशाह को खुद में देखने पर मजबूर कर रही थी। कभी दरियाए दजला के टूटे हुए पुलों को देखकर दरियाए दजला के अंदर सात नबी बक्कास की कयादत में 20,000 लश्कर जो है अपनी फौज को दरिया में डाल देता है, दरिया की परवाह न किए बगैर तौसीर व आदिल के पोते को गिर्द को खुटरों पर लाने पर मजबूर कर देता है। इस्लाम का परचम अपनी अजमत का परचम ये मुसलमान बुलंद करता नजर आ रहा था। जब ईसाई दुनिया ने ये देखा कि इनको रोकना मुहाल है, तो ये फैसला किया गया इस कौम मुस्लिम को मुसलमान होने के नाते से निकाल के बिरादरियों में बांट दो। बिरादरी का नशा जब इसके ऊपर चढ़ेगा, आपस में लड़ेंगे, ये समी बोस हो जाएंगे, हम इनके सर पर फाइज हो जाए। नारे रिसाल बस लगे आला हजरत हुजूर सैयद साहब किला, नारे तकबीर नारे रिसाल। आप देख रहे हैं उसी का नतीजा है, ये उसका नतीजा है कि नहीं है? जब से इतिहाद टूटा है कौम मुस्लिम का, जब से आपस में लड़ाइयां हुई हैं मुसलमानों में, जब से ना इत्तेफाकी पैदा हुई है मुसलमानों में, दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? अब जरा मैं आपको जहन आपके जहन को मेरे करीब खींचिए, हमारे प्रधान भी बैठे हुए हैं, बैठे बात को गौर से सुने, अल्लाह इनको और कामयाबी दे, हर साल इनको इक्तदार अता फरमाए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कभी अपने बस्ती के अंदर करमापुर के अंदर बिरादरी के नाम पर मुसलमानों को बांटने की कोशिश मत करना। अगर आपने ये काम किया तो कसम खुदा की आप दुनिया के लालच में आकर दुनिया की कुर्सी तो पा सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के आपस में तोड़ने की वजह से कल कयामत के दिन आप महफूज ना रह पाओगे, आप बच ना सकोगे। अल्लाह की कहानी और जब्बारी के सामने जब खड़े होगे तो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए कि रब्बुल इज्जत से मालूम करो, खुदा की बारगाह में अरीजा पेश करो, हे मौलाए कायनात, आज जमीन के पर्दे पर हमारा ये हाल है कि हम लोगों को बांट दिया गया है, हमें बिरादरियों के नाम पर अलीहदा कर दिया गया है, हमारे नाम रख दिए गए हैं, कोई मंसूरी है कोई अंसारी है, कोई सैयद है तो कोई पठान है, कोई कुरैशी है तो कोई जो है अल्लाह अल्लाह सलमानी है, कोई है तो कोई 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 बिरादरी से ताल्लुक रखता है। ए मौला पता कि तूने हमारा नाम अंसारी रखा है, हमारा नाम पठान रखा है, हमारा नाम जो है ए परवरदिगार आलम क्या तूने कुरैशी रखा है, हमारा नाम मौलाए कायनात क्या तूने सलमानी रखा है, हमारी कौम और समाज का नाम क्या परवरदिगार आलम तूने जो है सिद्दीकी रखा है या मिर्ज़ाई रखा है। अल्लाह अकबर, तो रब का इरशाद होगा बंदे सुन, मैंने तेरा नाम अंसारियों पठानों सैयदों कुरैशियों मंसूरी नहीं रखा, बल्कि तेरा नाम रखा है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तेरे रब ने तेरा नाम मुसलमान रखा है, और जब मेरा नाम मेरे अल्लाह ने मुसलमान रखा है तो इस नाम से अच्छा जमाने में किसी बिरादरी
माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, आले रिसाल, असते कुरान, शाहे कुरान, हुजूर सैयद इरफान रसूल साहब किबला, नारे तकबीर। मेरी कौम के लोगों, हम आपसे कहना ये चाहते हैं, सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है, इस दुनिया के झमेले से निकलिए, तुम मुसलमान हो मुसलमान बनिए। जिस दिन कौम मुस्लिम मुसलमान बन गई और मुसलमान बन के अपने आप को बदल दिया, अपने किरदार को बदल दिया, अपने अमल को बदल दिया, तो मेरे प्यारे तुम्हें चौराहे पर एहतजाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो कितने एहतजाज आपने कर लिए हैं, भारत की जमीन पर आए दिन एहतजाज करने पर लगे हो। जब देखो कोई ना कोई कानून आपके खिलाफ हो जाता है, कोई ना कोई बात आपके खिलाफ नजर आती है, रोजाना कोई ना कोई बात नबी की शान के खिलाफ सुनने को मिलती है। कभी नबी की जात पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी अज़मत कुरान पे हमला, कभी हदीस रसूल पे हमला, कभी दीन मुस्तफा पे हमला, कभी शरीयत मुत्ता पर अबर हमला, कभी इमाम हुसैन की जात पे हमला, कभी अबू बकर सिद्दीक की जात पे हमला, कभी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जात पे हमला, कभी अल्लाह अकबर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुकद्दस जात पे हमला, कभी ख्वाजा करीम नवाज के आस्ताने पर हमला, कभी साबिरे कलगरी के आस्ताने पर हमला, अल्लाह अल्लाह कहते क्या कहा जाए, कभी मक्का की जमीन पर हमला, कभी मदीना तो रसूल के अंदर रोजे रसूल गुंबद रसूल के ऊपर हमला, ये तमाम तरफ से हमला आवर लोग हो रहे हैं। अल्लाह अकबर जरा जहन को करीब तो करे, ये तमाम तर चीजें अल्लाह अकबर इन तमाम तर बातों को सुन के अल्लाह अल्लाह कौम मुस्लिम आपस से बाहर होती है। कभी जो है जो मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, कभी किसी तरीके से कानून, कभी हलाले के ताल्लुक से कानून आता है, कभी पर्दे के ताल्लुक से आवाज उठाई जाती है, ये तमाम तर बातें आज दुनिया देखती है और कौम मुस्लिम इन तमाम तर बातों को सुनने के बाद आपस से बाहर तो हो जाती है और एहतजाज करने के लिए निकल जाती है। कभी किसी चौराहे को बंद किया जाता है, कभी किसी रोड को बंद किया जाता है, कभी किसी थाने के सामने जो है प्रदर्शन है, कभी किसी तहसील के अंदर जाकर के प्रदर्शन है, कभी किसी चौकी के सामने प्रदर्शन है। तुम प्रदर्शन करते करते थक चुके हो, तुम्हारी तुम प्रदर्शन कर रहे हो, तुम जो है एहतजाज पे एहतजाज कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी सुनवाई नहीं है। लोग कहते हैं ये तो पागल है, ये तो पागल हो चुके हैं, जो कर रहे हैं इन्हें करने दो, हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे, और वो लोग करके दिखा रहे हैं। बहुत हो गए एहतजाज, एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूँ, एहतजाज करने की बजाय तुम अपने आप को बदल लो, अपने किरदार बदल लो, अपने आप को बदलो। चौराहों को आबाद करने की बजाय अगर तुम मस्जिदों को आबाद कर दो, कॉलेज और स्कूल आबाद करने की बजाय अगर तुम मदरसों को आबाद कर दो, अपने बच्चों के हाथों में कुरान दे दो, तो कसम खुदा की नबी की सीरत नबी की सुन्नतें अपने ऊपर अपने बच्चों के हवाले कर दो, तो तुम्हें एहतजाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि भारत की जमीन पर आज जो 25 करोड़ मुसलमान नजर आता है, ये किसकी देन है? अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की देन है। जब मेरे ख्वाजा भारत की जमीन पर आए थे, बताइए मेरे ख्वाजा ने क्या भारत के लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया था, कुरान की तफसीर बताई थी, कुरान के उसूल समझाए थे, कुरान का मफहूम बताया था, कुरान के मायने बताए थे, हदीस रसूल सुनाई थी, तकरीर या वादो नसीहत की थी? नहीं, दुनिया ने देखा था ख्वाजा कुरान पढ़ते हुए देखा था, हदीस पढ़ते हुए देखा था, ख्वाजा ने नसीहत नहीं की थी कि कुरान पढ़ के नहीं सुनाया था, बल्कि खुद अमल किया था। उसका नतीजा ये हुआ कि 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गए। ये कहते हुए जब इस फकीर का ये आलम है, तो जिस मजहब का ये पैरोकार है वो मजहब कितना अच्छा होगा। अगर एक ख्वाजा शरीयत पर अमल करने लगे, एक ख्वाजा कुरान पर अमल करे, एक ख्वाजा नबी की सुन्नतों का पैकर बन के अपने आप को भारत के लोगों के सामने अगर पेश कर दे, तो 90 लाख उसके चौखट के गुलाम हो जाए। अगर 25 करोड़ कुरान और हदीस पर अमल करने लगे, तो कसम खुदा की 90 लाख नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक इंकलाब हो जाएगा। जिधर देखोगे नबी का झंडा होगा, नबी की नात होगी, नबी की
जिंदाबाद। वही झूठ, वही मिलावट, वही हरामकारी, वही रियाकारी, और खासकर हमारी और माँ और बहने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। वक्त की मुफ्तियां हैं मुफ्तियां, ये मुफ्तियां ने इकराम 15 साल मदरसों में रह के पढ़ के मुफ्ती बनते हैं, और ये घर में रह के अंगूठा लगा के मुफ्ती बन जाते हैं। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं मैं। घर के हालात बिगाड़ने में सबसे ज्यादा जो हाथ है वो इन औरतों का है। अगर बेटा बिगड़ रहा है तो इन औरतों की वजह से, अगर बेटी गलत रास्ता इख्तियार कर रही है तो इन माओं की वजह से। अगर मेरी माँ सुधर ले, अगर ये माँ अच्छी हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला बेटा और बेटी भी इसकी अच्छी नजर आएगी। लेकिन क्या करें, ये खुद सुधरने का नाम नहीं लेती। खुद अपने आप को हर औरत बड़ा पारसा बनती है, और दूसरी औरत के अंदर देखो कैसे कीचड़ निकलती है, कैसे कीड़े भी इनकी नजर आती है। मैं कहना चाहूंगा अपनी माँ और बहनों से, जश्ने दस्तार बंदी में आई है, जश्ने अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाई हैं, तो यहाँ पर बैठी हैं, तो सुने, आप अल्लाह की बंदी हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, तो कम से कम अपने किरदार को अच्छा करो, अपनी जिंदगी अच्छा करो। हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी को पढ़ के अपने अंदर वो इनकलाब पैदा कीजिए, अपने अंदर वो अच्छाइयां पैदा कीजिए, और अपनी तरबियत से अपने बच्चों के अंदर वो निखार लेकर के आइए, ताकि दुनिया तुम्हें देख करके, तुम्हारी तरबियत को देख करके, तुम्हारे माहौल को देख करके ये कहे कि हाँ, इस घर के चालो चलन, इस घर की तरबियत का बड़ी अच्छी है, इस्लाम की शहजादियां इसके अंदर रहती है। अजीजा ने मिल्लत इस्लाम ने आखिरी बात मैं आपसे कहकर के अपनी बात को मुकम्मल कर दूं, क्योंकि माओं के ताल्लुक से आई है बात, तो मैं इनको समझा दूं कि बच्चों की तरबियत में, बच्चों को नेक बनाने में, बच्चों को नमाजी बनाने में, बेटी को नमाजी बनाने में सबसे बड़ा किरदार अगर कोई निभा सकती है वो माँ है। क्योंकि बाप तो सुबह उठता है, काम पे चला जाता है, घर के अंदर माँ रहती है। माँ जिस तरफ अपने बच्चे को ढालेगी, बच्चा उसी चीज को अपनाएगा। जो चीज माँ बच्चे को सिखाएगी, बच्चा वही चीज सीखेगा। आज हमारे घर की माँ क्या सिखाती है, अल्लाह अल्लाह, जहाँ बच्चा रोया तो तुरंत उन्होंने जो है मोबाइल खोला और मोबाइल पर कार्टून लगा दिए। कभी मोटू पतलू के कार्टून दिखाए जाते हैं, कभी हरियल तोता, कभी मोटा हाथी, कभी भालू, कभी बंदरों के तमाशे दिखाती नजर आती है। क्यों? ताकि मेरा बच्चा रोए ना, मेरा बच्चा चुप जाए। ये तमाम तर खलीस बातें अपने बच्चों को जब बचपने में तुम सिखाओगी अजीदाने मिल्लत इस्लामिया, तो बताइए जब वो बड़े होंगे तो क्या वो कुरान पढ़ने के आदि होंगे, क्या वो दीन सीखने के आदि होंगे, या दीन की तरफ उनकी तवज्जो होगी, या नबी की मोहब्बत उनके सीनों में आएगी? नहीं, क्योंकि पैदाइश के बाद में उन्होंने नाचना देखा है, पैदाइश के बाद में उन्होंने गाना सुना है, पैदाइश के बाद में उन्होंने ड्रामे देखे हैं, तो वो क्यों कुरान पढ़ेंगे, वो क्यों दीन पर अमल करेंगे? वो भी जब बड़े होंगे तो नाचेंगे, वो भी जब बड़े होंगे तो गाना गाएंगे, वो भी जब बड़े होंगे तो दीन से अलहदगी इख्तियार करेंगे। इसलिए मेरी माँ और बहनों, जब तुम्हारा बच्चा रोए तो मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को मत छुपाओ, कोशिश करो दूध पिला के उसे छुपाने की। अगर ना छुपे तो देखो अपने असलाफ की जिंदगी, देखो अपने अकाबरीन की माओ को, देखो कि जब बच्चा रोता था और अगर नहीं छुपता था तो अल्लाह अकबर वो दुनिया भी गाने वगैरह नहीं सुनाती थी, बल्कि रख के कुरान को पढ़ के सुनाती थी, मुस्तफा की नात पढ़ती थी, नबी पर दुरूद पाक पढ़ती थी। जब नबी पर दुरूद पाक मां पढ़ती थी, उसकी मदहम भरी आवाज जब बच्चे के कानों से टकराती थी तो बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। जब बच्चा रोता था तो मां कुरान की तिलावत करती थी। जब कुरान की रोशनी और कुरान की आयतें बच्चे के कानों से दिल की समाधों तक पहुंचती थी तो बच्चे की रूह झूमने लगती थी। जब बच्चे की मां नबी पर दुरूद पाक पढ़ के उसके कानों में रस खोलती थी, तो यकीनन अजीजा ने मिल्लत इस्लाम या वो बच्चा बड़े होकर के कहता नजर आता था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आप सल्ले अल्लाह कहते कहते। अजीजा ने मिल्लत इस्लाम या इसलिए हम कहना चाहते हैं, अपने बच्चों की तरबियत करो, खुद भी अच्छी बनो, कुरान पढ़ने वाली बनो। आज खुद तो नाचती है और बेटी को कहती है ये हजरत फातिमा की कनीज बन जाए, खुद नाचती नजर आती है और बेटे को कहती है ये
लाला गौसे आजम का जानशीन बन जाए। अरे मैं कहना चाहता हूँ ये मेरी कौम की मां सुन, अगर तू नाचने वाली है तो ये मत सोच लेना कि तेरी बेटी अल्लाह वाली बन जाएगी। अगर तू नाच रही है और बेटी ने तुझे नाचते हुए देखा है तो देखना समाना देखेगा, जिस तू तो घर में नाची थी लेकिन तेरी बेटी स्टेज पर नाचती नजर आएगी। ए मेरी कौम की मां सुन, अगर तू गाने वाली है और तू ये समझती है तेरा बेटा नबी पर दुरूद पाक पढ़ने वाला बन जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा स्टेज पर नबी की नाच पढ़े, तेरी बेटी घर में कुरान के तरारे सुनाए, तो पहले तू कुरान पढ़, तू नबी की नाच पढ़। अपने बच्चों के सामने जब बच्चा तेरा अपनी माँ को देखेगा कुरान पढ़ते हुए, नबी की नाच पढ़ते हुए, कसम खुदा की आगे चल के सलाना उसकी बेटी को भी देखेगा कि जब वो पढ़ेगी तो गाना नहीं सुनाएगी, सुनाएगी तो रब का कलाम सुनाएगी। बेटा उसका पढ़ेगा तो गाना नहीं, पढ़ेगा तो नबी की नाच। अपने आप को संभालो, मेरी माँ और बहनों अपने आप को अच्छा करो, क्योंकि आखिर में तुम्हारा ठिकाना ज्यादा से ज्यादा वो सबसे ज्यादा जो है वो जहन्नम में, सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में जाएंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एहसान फरामोशी की बुनियाद क्या है? एहसान फरामोशी की बुनियाद क्या है? औरतों के अंदर खास